अजमेर में राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज आज गुरुवार अल सुबह पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान के साथ हो गया। इस दौरान लाइन के करीब 200 कार्मिकों ने पुलिस लाइन में श्रमदान किया। जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट ने बताया कि पुलिस दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पुलिस लाइन और जिले के तमाम थानों पर श्रमदान कर सफाई व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यह क्रम 16 मार्च तक जारी रहेगा। आगामी 15 मार्च को पुलिस लाइन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलिस के जवान और उनके परिवार के लोग शामिल होंगे। 16 मार्च को पुलिस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद सेवा चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। पुलिस की व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। आज सुबह से पुलिस लाइन के अंदर जो श्रमदान है वो किया जा रहा है। 13 तारीख से लेकर के आगामी 3 दिन तक पुलिस लाइन और हमारे विभिन्न थाने और ऑफिसों के अंदर श्रमदान किया जाएगा। इसमें हम निगम का भी सहयोग लेंगे। इसके बाद में 15 तारीख की शाम को जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है पुलिस लाइन के अंदर होगा, जिसमें हमारे पुलिस के जवान अधिकारी और उनके परिवारजन हैं वो भाग लेंगे। 16 तारीख को पुलिस लाइन के अंदर परेड होगी और उसके बाद में जो सेवा चिन्ह हैं वो वितरित किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आम जन के द्वारा पुलिस को जो सहयोग किया गया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। सर, आज के जवान शामिल हैं? आज पुलिस लाइन के अंदर हमारे लगभग 200 जवान हैं जो श्रमदान कर रहे हैं। इसके अलावा थानों का जो स्टाफ है वो थानों के अंदर श्रमदान कर रहा है।